ओम ज्ञान निवारणस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में रत पुण्य और प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत पुण्य प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मैं यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। पिछली बार हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी जो है उन्होंने कृष्ण की और भी लीला देखने के उद्देश्य से अपनी माया का प्रयोग करके कृष्ण के सखाओं को छुपा दिया। फिर वहां पर भगवान का ऐश्वर्य को देख करके ब्रह्मा जी को अपनी गलती की अनुभूति होती है कि मैंने ये क्या अपराध कर दिया है। वो ब्रह्मा जी जो है अपने हंस वहां उतर के बिल्कुल ब्रज धूलि में लौट करके वो कृष्ण के चरणों में गिर करके वहां पे प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण की अनेक स्तुतियां वहां पर करते हैं। तो 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है, जिसका प्रथम श्लोक है नौमित्यते अप्र वपुषे तडितंबराय कुंजावतम सपिरपिच्छल सनुमुखाय वन्य स्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रीय मधुपते पशुपांग जाय। या ब्रह्मा जी इस श्लोक में भगवान की बड़ी सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है नौमित्य, माने इति माने इष्ट और नौमी माने नमन करना। यहाँ बता रहे हैं नौमी माने प्रणाम। प्रणाम किसको कर रहे हैं यहाँ पे? और भी जो ब्रह्मा जी जो है उन्होंने पहले कृष्ण की स्तुति जो ब्रह्म संहिता उसके अंदर जो ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है उसका पहला श्लोक है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। यह कह रहे हैं कि मैं किनको प्रणाम कर रहा हूँ? मैं ऐसे ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूँ जो सभी के आदि है, जिनका कोई आदि नहीं है और सर्व सभी ईश्वरों के जो ईश्वर है ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो नमन किसको कर रहे हैं? कृष्ण को नमन कर रहे हैं। फिर बताया ये प्रणाम की बड़ी महिमा है। यहाँ बताया जो श्लोक है जो अजामिल संवाद है बोला एक बार अगर कृष्ण को कोई प्रणाम कर दे तो उसको पुनः जो है वो माता का स्तनपान नहीं करना पड़ता। जब जन्म लेगा जब तो माता का स्तनपान करेगा, पुनः जन्म उसका नहीं होगा। भगवान को एक बार प्रणाम करने की इतनी महिमा है, इसलिए ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे नौमित्य कह करके भगवान को नमन कर रहे हैं, माने शरणागत होकर के उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। फिर बताया कि जिसने कभी कृष्ण या यमराज कह रहे हैं कि जिसने कभी भी कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, अपने जीवन में जिसने कभी भी कृष्ण को प्रणाम नहीं करा या दूतों को कह रहे हैं उसको पकड़ पकड़ के मेरे पास मिले। क्या करो? उसको पकड़ के मेरे पास मिले आप, क्योंकि ये शरीर क्यों मिला था? ये मुख मिला है भगवान का नाम लेने के लिए। ये हाथ क्यों मिले हैं? भगवान की सेवा करने के लिए। ये चरण क्यों मिले हैं? ठाकुर जी के धाम जाने के लिए। लेकिन ये सब जो व्यक्ति नहीं करता वो यमदूत यमराज खुद कह रहे हैं यमदूतों को, यमदूतों जाओ ऐसे व्यक्ति को पकड़ पकड़ के मेरे पास मिले आप। लेकिन जो अगर ठाकुर जी का नाम लेता है, जो ठाकुर जी को एक बार भी अगर प्रणाम कर दे तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, इतनी महिमा ठाकुर जी को प्रणाम करने। फिर ब्रह्मा जी यहाँ पे नमन करके क्या करें? अहंकार को छोड़ना। ये नमन का एक और अर्थ क्या है? अहंकार को छोड़ना। जैसे हम लोग किसी को नमन कब करते हैं? अहंकार को छोड़ते हैं, उसको बड़ा मानते हैं तभी तो नमन करेंगे ना। ब्रह्मा जी मानो यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि पहले मैंने तो आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करी लेकिन मैं जान गया आप मेरे पिता के पिता के पिता के पिता के भी पिता है, इसलिए मुझे क्षमा कर दो, मैं पूर्ण रूप में आपके शरणागत होता हूँ। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार बोल रहे हैं कि प्रभु अब मैं समझ गया आप कौन है। फिर यहाँ पे बताया कृष्ण के रंग के बारे में बताया नौमित्यते अप्र वपुषे तडितंबराय,
कृष्ण का रंग कैसा है? श्याम वर्ण। श्याम वर्ण कृष्ण का रंग है। तो यहाँ जो श्याम वर्ण है, अब जो बादल के समान बताया, किसके समान है? ब्रह्मा जी जो तुलना करती है अप्रवक्तुषे बादल, जो जब बारिश होने वाली है, जो काले काले जो बादल है ना, जिससे बारिश होने वाली होती है, जो श्याम वर्ण के जो मेघ होते हैं, उनसे कृष्ण के रंग की तुलना यहाँ पर ब्रह्मा जी ने करी है। तो इसके तीन कारण बताए हैं कि ऐसा क्यों तुलना करी, बादलों से तुलना भगवान के रंग की क्यों करी। तो पहला बताया कि ये बादलों को देख करके एक पक्षी होता चातक, वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि चातक पक्षी की ये विशेषता होती है कि वो कभी भी जमीन पे गिरा पानी या नदी नाले का पानी वो नहीं पीता। उसकी विशेषता ये है कि जो बारिश का पानी होता है वो डायरेक्ट बादलों को देख करके बारिश का पानी पीता, वरना चिल्लाता सारी जीवन प्यासा हम करके वो चिल्लाता रहता। लेकिन जब बारिश की बूंद गिरती है, बादलों को देख करके वो आनंदित हो जाता है, क्योंकि वो बादलों का पानी वहां पर पिएगा। तो यहाँ ब्रह्मा जी जो है मानो कह रहे हैं कि मेरी जो गलती जो इतनी हो गई है और आप उसको देख करके मेरा हृदय जल रहा है। जैसे जैसे चातक किसे चिल्लाता है प्यासा हम। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? बोला प्रभु मैं भी वैसे ही, आपके जो मैंने अपराध किया है उसके कारण मैं भी ऐसे ही व्याकुल, इसलिए कृपा करके आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर भी बरसाओ। ये ब्रह्मा जी इस प्रकार से कि मानो चातक पक्षी है, विष्णु जी को ठाकुर पर टीका में सब बातें बताया। दूसरा बताया कि बारिश जो होती है, जब बारिश गिरती है तो बारिश ये नहीं देखती कि कौन सी जगह पवित्र है, कौन सी पवित्र है, कौन सी उबड़ है, कौन सी खबड़ नहीं देखती ना, बारिश तो सब जगह बराबर गिर जाती है। तो इसका उदाहरण क्यों दे रहे हैं? मानो ब्रह्मा जी कह रहे, बोला प्रभु आप तो भक्तों पर कृपा करने के लिए कोई ऊंच नीच नहीं देखते कि कौन पवित्र है कौन अपवित्र, आप तो नहीं देखते, तो आप मुझ पर भी कृपा करो, ये मत देखो कि मैं अपराधी हूँ, आप सब पर कृपा करते हो, मेरे ऊपर भी कृपा करो। फिर एक अर्थ बताया, ये पानी का सीधा अर्थ होता है कृपा। पानी का अर्थ क्या होता है? कृपा होता है। और पानी कब बरसता है? ये जो काले जो घने मेघ कब आते हैं? जब ये पानी की घनीभूत अवस्था क्या होती है? बादल। जब पानी भाप बनकर के उठता है, जब वो घनीभूत हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? बादल। इसलिए बताया जब ये जो कृपा है, जो करुणा है, जब ये अपनी घनीभूत अवस्था ले तो कृष्ण कृपा रूप में बरस जाता है। जैसे सुबह हम गाते ना, संसार जावा नल रीडल होकर तरणय कारुण्य घना घनत्व, जब वो घनत्व उसका बढ़ जाता है तो बारिश के रूप में वो गिर जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर मानो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोला प्रभु आपके चरणों में जो मैंने अपराध कर दिया है ना, इस कारण से क्या हो रहा है? मेरा हृदय जल रहा है। लेकिन आप कैसे हो कृपालु? और आपकी कृपा जैसे जिससे बादलों से तुलना करके कह रहे हैं, जैसे आप कृपा बरसा करके मेरे हृदय का जो ये जो ताप है इसको हर लीजिए, इसको हर लीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर, केवल एक शब्द जो बताया कितनी सुंदर व्याख्या। इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी और भी बात कहते हैं कि आपने तो अपनी कृपा की जो घनीभूत अवस्था में क्या किया था, उतना को धात्रोचित गति दे दी, आप तो कितने दयालु हो, तब मेरे ऊपर भी दया करो। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर तड़ित अंबर आया। यहाँ बताया तड़ित माने बिजली की तरह, जैसे बादल है, बादल तो सुंदर लगते ही है लेकिन अगर उसमें बिजली चमके तो और भी सुंदर लगता है, लेकिन आवाज आती है तो भाग जाते, लेकिन जब बिजली कड़कती है तो कैसी लगती है? थोड़ी सुंदर लगती है। तो ब्रह्मा जी जो है या भगवान का जो पीताम्बर है उसको बता रहे हैं, वो कैसा लग रहा है? कृष्ण का स्वरूप मानो श्याम मेघ की तरह, और जो बिजली है पीताम्बर कैसा, जैसे उसमें बिजली कड़क गई, इतना सुंदर यह कृष्ण का रूप है। तड़िदम्बर आया, मानो कृष्ण दिखा रहे हैं कि राधा जी से, और तड़िदम्बर आया और पीला रंग। अब ये जो पीला रंग है, ये पीला रंग किसका प्रतीक है? राधा रानी का। पीला रंग किसका प्रतीक है? वो भजन है ना, जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी पीताम्बर। जैसे बताया महाप्रभु का रंग कैसा है? तप्त कांचन गोरा। राधा रानी का श्लोक क्या है? तप्त कांचन, ऐसा ही महाप्रभु का भी रंग है, तप्त कांचन, तपे हुए सोने की तरह पीला। जैसे कृष्ण क्या करते हैं? उसी को ही अपने गले में धारण करते, मानो दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता हूँ। और राधा रानी जो है वो कौन से रंग का वस्त्र धारण करते हैं? नील वसन गौरी रूपे गुण धन्य, अर्थ में लिखा नील वसन गौरी रूपे गुण धन्य। लेकिन जो चुनरी है वो कौन से रंग की उड़ती है? गुलाबी। गुलाबी कलर जो है वो अनुराग का, प्रेम का रंग है। इसी प्रकार दोनों अपने वस्त्रों से भी दिखा रहे हैं कि देखो हम किस प्रकार एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार जो है कृष्ण के जो ये पीताम्बर की वर्णन किया,
कि पीताम्बर लगने से जो कृष्ण जो पहले से सुंदर थे वो और भी सुंदर लग रहे हैं। फिर बताया गुंजावतन गुंजावतन बल कृष्ण ने क्या कर रखी है, गुंजा माला पहन रखी है, गुंजा माला। ये गुंजा माला ये बन बन के एक मोती होता है, वो गुंजा मोती होता है, देखा होगा लाल लाल काला काला। इस गुंजा के ना इतना सुंदर होता है, नीचे से लाल होता है और ऊपर से काला होता है, जैसे लाल लाल समझो जैसे राधा रानी की आंख और उसमें काला कृष्ण, इस प्रकार ये जो गुंजा है ना इसको राधा रानी से तुलना करते हैं। तो महाप्रभु भी इस गुंजा माला को पहनते, वो बालक कहते ना तप गुंजा माला है ना, तप हेम अंग कांति प्रातः अरुणम वर्ण। कीर्तन में देवाधिदेव गोचर ने बताया कि महाप्रभु कौन सी माला पहनते हैं, गुंजा माला। इसलिए जब रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने भेजा ब्रज में तो उन्हें दो वस्तु प्रदान करी, क्या प्रदान करी, एक गुंजा माला और एक गिरिराज शिला। गिरिराज शिला मानो कृष्ण स्वरूप और गुंजा माला मानो राधा रानी का, इसलिए राधा रानी दे करके उनको ब्रज में भेजा, उसके अपने अंगूठे की छाप भी लगाई। ये जो गिरिराज शिला गुंजा माला ये राधा गोकुल आनंद जी जो वृंदावन में दर्शन राधा रमन जी के बाजू में हम लोग देखते हैं उसको इस प्रकार। और ये जो गुंजा माला जो है ये कृष्ण पहन के क्या दिखा रहे, बोले लोग सोचते होंगे कि मैं तो भगवान हूँ, मुझे तो बड़े महंगे महंगे वस्तुओं से ही प्रसन्न किया जा सकता है, सोना चांदी जवाहर। लेकिन कृष्ण कहते नहीं, मैं तो साधारण रूप में ही, तुम कुछ भी दे दो साधारण, एक बन के मोती गुंजा सब फ्री में एक गुंजा मोती मिलते। बोला लेकिन अगर तुम वो भी दोगे तो मैं प्रेम से स्वीकार करूंगा, क्योंकि भगवान किस चीज को स्वीकार करते हैं, जो प्रेम से दी जाती है। भगवान केवल भाव को ग्रहण करते हैं, प्रेम को ग्रहण करते हैं। जैसे विदुर ने कौन सी बढ़िया भगवान को भोग लगाए थे, विदुरानी ने क्या दिया था, दुर्योधन के मेवा त्यागे सबसे झूठे पल शबरी के खाए बहु विधि स्वाद बधाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सिर्फ खाए नहीं शबरी पे झूठे बैठ खा करके बोले, बोला माँ आपके बेरों में जो स्वाद है ना, जो मेरे को बैकुंठ में लक्ष्मी जो मेरे को छप्पन भोग खिलाती उसमें वो स्वाद नहीं है। माँ कौशल्या ने मुझे अयोध्या में खिलाती उसमें भी ऐसी बात नहीं है। हे सबरी माँ आपके पैरों में ऐसी मिठास बहुविधि स्वाद बताई। ऐसे भगवान क्या करते हैं, बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। इसलिए गुंजा माला जो बताया ना श्लोक में, मानो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए मुझे, तुम बस क्या दो, कुछ भी दो, साधारण वस्तु दो, पत्र पुष्प फलम तो है बच्चा प्रणी, मुझे कुछ भी दो लेकिन कैसे दो, प्रेम से तुम उसे ग्रहण कर लूंगा। इसीलिए फिर पिक्चर सर उठाए। अभी तीसरा यहाँ पे एक और शब्द यूज हुआ कि कृष्ण के सिर पे क्या लगा हुआ है, मोर पंख लगा हुआ है। अब ये मोर पंख का क्या तात्पर्य है, गुरुजी ने बताया था कि कृष्ण ये मोर पंख क्यों धारण करते हैं, इसके तीन चार कारण। पहला कारण बताया था कि मोर पंख में राधा रानी का नाम लिखा हुआ है इसलिए कृष्ण उसको धारण करते हैं। कारण बताया था कि ये मोर जो है ये ब्रह्मचारी है, इसी कारण से भी कृष्ण ब्रह्मचारी को प्रेम करते हैं तो उसको पंख को शीश पे लगा लेते हैं। एक कारण बताया जैसे हम बरसाना चाहते हैं ना, बरसाना जाते तो वहाँ एक क्या है मोरपुटी, मोरपुटी में कभी राधा रानी ने कभी इच्छा करी कि काश मोरों को देख करके कि काश कभी कृष्ण होते और मैं यहाँ पर करती, बोले वो कीर्तन था मैं कोई याद नहीं भूल गया मैंने, बहुत सुंदर मोरपुटी का कीर्तन था वहाँ क्या था, एक दिनाशी कुवर राधिका मोर कुटी आई, राधिका मोर कुटी आई, नित्य देख सब मयूरन का मनोत कंठा छाई, मोर वहाँ एक नहीं पायो, मोर वहाँ एक नहीं पायो, जान प्रिया मन प्रीतम प्यारो मोरा बन आयो, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, ओ बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। इसलिए कृष्ण क्या करे थे, राधा रानी की इच्छा पूर्ण करने के लिए कभी मोर बने और राधा रानी मोर नहीं बन करके नृत्य किया था, इसलिए उस जो लीला को याद करते हुए कृष्ण क्या करते हैं मोर पंख को धारण कर लेते हैं। एक कारण और बताया कि कभी कृष्ण को देख करके जैसे सब बादल जब आके सबसे ज्यादा कौन खुश होता है, मोर, मोर उसको देख करके जब बिजली कड़कती है तो पंखों को फैला करके बड़ा सुंदर नृत्य करने लगता है बादलों को देख करके। एक बार क्या हुआ, जब कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे तो मोर जो है वो कृष्ण जो कि श्याम वर्ण है
विष्णु को देख करके मोर क्या सोचा, जैसे घनघोर घनघोर बादल छाए गए, घने बादल छा गए, और जब कृष्ण ने बांसुरी बजाया जैसे बिजली कड़की, तो मोर ने नृत्य किया, और कृष्ण के प्रेम में नृत्य करते करते मोर ने वो पंखों को गिरा दिया। तो कृष्ण ने देखा कि मुझको देख के इसने मेरे प्रेम में नृत्य किया, और कृष्ण ने क्या करा, उस मोर पंख को उसका उपहार समझ करके शीश पर धारण कर लिया। इसलिए भी कृष्ण शीश पर मोर पंख लगाते हैं। तो ये हमने सब कारण सुने थे कि कृष्ण मोर पंख क्यों लगाते हैं। और मयूर पंख में 7 रंग होते हैं, है ना, मयूर पंख में कितने रंग होते हैं, और जब जब बादलों के अंदर में भी 7 रंग होते हैं। जब सूर्य का किरण पड़ता है, घने बादल पर पड़ता है, तो पीछे क्या बनते हैं, इंद्रधनुष बनता है। इसी प्रकार जो कृष्ण का रूप इतना सुंदर है, और ये मोर पंख समझो उसमें इंद्रधनुष का काम कर रहा है, इसलिए भी लगाते हैं। फिर एक श्लोक है, वन्य सृजे कवल वेत्र, वन्य सृजे, कृष्ण ने गले में एक तो कुंजा माला पहनी है, और वन्य एक वन माला पहनी है, वनमाली गिरवर धारी, सुना ना, वनमाली बोलते ना भगवान को, जो वनमाला धारण करते हैं, वनों की माला, कृष्ण वनमाला भी धारण करते हैं, कृष्ण तो कुछ भी धारण कर सकते हैं, फिर वनमाला क्यों धारण करते हैं। यह बताया कि जो वन के फूलों से, वन के फूलों से ही गोपियां कृष्ण को सजाती है। अगर गोपियां जाकर के अपने, गोपियां तो साधारण गांव है, है ना, सब गोपियां हैं, वनों की सब रहने घर में रहने वाले, अगर वो जाकर के बाजार से बहुत महंगे महंगे सोने गाटे खरीदते ला करके हाथ में सबको सट ले जाएंगे, किसके लिए भरा। इसलिए जंगल में जो वन फूल होते हैं उनको लेकर के बड़ा सुंदर सुंदर सना सजा करके कृष्ण को सजाते थे। जो सखा होते हैं वो भी क्या करते हैं, कृष्ण को वन के जो फूल है सुंदर सुंदर, उनसे 5 प्रकार अलग अलग रंग के फूलों से कृष्ण को माला बना करके सजा देते हैं। उससे ही कृष्ण का रूप इतना सुंदर हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती। यहाँ बताया कि बैकुंठ में लक्ष्मी भी सजाती है नारायण, बैकुंठ में लक्ष्मी भी, लक्ष्मी सजाती है, वो क्या क्या इस्तेमाल करती, सोना चांदी जवाहरात। इसी प्रकार द्वारका के अंदर जो महर्षियां हैं वो भी कृष्ण को सजाती है, बड़ा सुंदर अलंकार इस्तेमाल करती है। लेकिन बताया सबसे सुंदर जो रूप है कृष्ण का वो कौन सा रूप है, जिसके अंदर क्या है, कृष्ण को वनमाला से, तो सखियों ने सखाओं ने जो वनमाला से, जो वन फूलों से सजाया है, ये कृष्ण का सबसे सुंदर रूप है। विषाण वेणु, विषाण वेणु बताया कि कृष्ण के पास में जो ब्रह्मा जी जो स्तुति कर रहे हैं कृष्ण के रूप को देख करके कर रहे हैं, है ना। तो बताया कि कृष्ण में जो कमर में जो फेटा है उसमें विषाण एक सिंगा और वेणु एक बांसुरी लगा रखी है। ये बांसुरी की बड़ी महिमा, राधा रानी क्या बोलती है, बोलेगी तो बांसुरी का कितना सौभाग्य, बोला हमारे कृष्ण का भी स्पर्श इतनी मुश्किल से प्राप्त होता है, लेकिन ये जो बांसुरी है ये नित्य निरंतर कृष्ण की गर्दन कमर में रहती है, और इसको कृष्ण का अधामृत पान करने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे कृष्ण इसको बजाते हैं सब मोहित हो जाते हैं। तो ये क्या बोले कि अगला जन्म मेरे को क्या होकर के देना, ये बांसुरी होकर के देना, ये बांसुरी कितनी महिमा है। तो यहाँ ब्रह्मा जी एक एक करके सारा जो कृष्ण का रूप का वर्णन कर रहे हैं। और कृष्ण के एक हाथ में दही चावल है, कवल वेत्र है, कवल, कवल माने क्या, दही चावल या दूध चावल, कृष्ण उसको लड्डू बना करके जैसे खाते है ना, वो खाते। गुरु जी बता रहे थे कि कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, दूध चावल दही चावल है कृष्ण को बहुत ज्यादा, क्योंकि कृष्ण का ये जो गोपाल रूप है, गोपाल, गोपाल माने जो गौ का पालन करने वाले, है ना, गाय का पालन करने, सर्वश्रेष्ठ रूप है। इसलिए कृष्ण वहां पे दिखा रहे हैं कि ये जो दूध दही से बनी वस्तु मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। मृदुपदे लक्ष्म श्री है, बोला इस प्रकार के जितने भी लक्षण जिसमें उपस्थित है मृदुपदे, कृष्ण कभी भी ब्रज में पादों का धारण नहीं किया, सारे सारे के सारे जितने ठाकुर है सबने चरण पादुका पहने, लेकिन कृष्ण ने पादुका नहीं, चरण चनानुगम श्री निकेतनम, नंगे पर गोपियां भी कह रही है कि आपके इतने कोमल चरण है, इतने कोमल इनको तो हमारे वक्ष स्थल पर आपको धारण कराना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हो इनको लेकर के वन में कांटों में चले जाते हो गाय चलाने के लिए, आप कितने कोमल हो। और कृष्ण क्या करते हैं, ब्रज धरती पर नंगे पर चलते हैं, उससे क्या होता है, धरती जो है जो वसुंधरा वो इतनी खुश हो जाती है, इतनी आनंदित हो जाती है कि जो उसमें पुलक उठता है, जब उसमें रोंगटे खड़े होते हैं तो ये जो समझो ये जो घास क्या है कि रोंगटे, वो झरना क्या है उनके प्रेम अश्रु ये पृथ्वी का। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है नंगे पैर ब्रज के अंदर चलते हैं। और कृष्ण के चरण में कई सारे चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह का अलग अलग महिमा है, हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार अलग अलग चीज पर ध्यान करने से अलग अलग चीजें मनोकामना हमारी पूरी हो सकती है। इसलिए अंत में बताया पशुपांग जाय, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि कृष्ण कौन है, पशुपांग जाय, वसुदेव देवी के पुत्र नहीं बताया, पशुपांग जो पशु का पालन करने वाले जो गोप है उनका पुत्र कौन है, ये कृष्ण है। क्या ब्रह्मा जी श्लोक से
पूरा पूरा स्पष्ट रूप में बता रहे हैं, हस्तमुख से बता रहे हैं क्योंकि ये कृष्ण किसके बेटे हैं, नंद बाबा और यशोदा मैया के बेटे हैं। फिर दूसरे श्लोक में उन्होंने भगवान की स्तुति करी, ज्ञाने प्रयासम उदुपास्य नमन्त एव हि जीवन्ति सन्मुकुलितां भवदीय वार्ता स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनवां मनोभिर्ये प्रायशो अजीत जितोऽप्यसि ते स्त्रीलोक्या। घर सुंदर है, घर सुंदर सो गया ना क्या? हाँ हाँ, तभी तो कह हरे कृष्ण ठीक और आनंद ओम ज्ञान तमराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम बल हरे कृष्ण हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत गुण साष्टांग भगवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीलाल नारायण गोस्वामी महाराज के चरण स्वर्ग में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्तों के चरण में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे, ब्रह्मा जी कह रहे थे ज्ञान प्रयास मुदुपास्य, इसमें बता रहे थे भगवान का एक नाम अजीत है, अजीत मतलब जिनको पाना बड़ा ही कठिन है, लेकिन हम उसको कैसे पा सकते हैं इसको पहले हम लोगों ने श्रवण किया। अभी ब्रह्मा जी कहते हैं बोले श्रेय स्मृति भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिशन्ति जे केवल बोध लब्ध है तेसांग मसम क्लेशल एव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषावघातिनम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को पाने का सबसे बहुत सरल उपाय है कि दूसरे दूसरे देवादेवियों को खुश करना बड़ा कठिन, लेकिन यहाँ पर कहते कृष्ण को खुश करना तो सबसे बड़ा आसानी कृष्ण को खुश करना, क्योंकि भगवान केवल प्रेम का ही भूखे हैं ठाकुर जी हैं। भगवान और किसी चीज को आकांक्षा नहीं करते, केवल प्रेम से उनको भक्ति कर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्य ते विभो, इसलिए जो श्रेय मार्ग है क्या है, भगवान की भक्ति सबसे श्रेय मार्ग है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये श्रेय मार्ग सबसे आसानी मार्ग छोड़ करके जो ज्ञान मार्ग में कठोर परिश्रम करते हैं, कहते ज्ञान मार्ग को अवलंबन करने के लिए जो लोग ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं उसका जो क्वालिफिकेशन क्या है, उसका क्वालिफिकेशन है पहले बाहर इंद्रिय फिर अंतर इंद्रियों को पहले दमन करो हैं, मन को पहले वशीभूत करो, तभी ज्ञान में तुम्हारी अधिकार होगी, नहीं तो ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु की भक्ति के लिए कोई गुण की जरूरत नहीं, इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाए, केवल भगवान प्रेम चाहते हैं और किसी चीज को नहीं चाहते। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में कहते हैं भक्ति मार्ग इतने सरल मार्ग है, इसलिए जब प्रहलाद को उसको पिताजी ने पूछा बताओ बेटा गुरुकुल में जा करके तेरे गुरुजी ने कौन सा विद्या पढ़ाया तेरे को, बताओ जितने श्रेष्ठ विद्या में बताओ क्या श्रेष्ठ विद्या बताए। अभी वो सोच रहे हैं मेरे गुरु तो संडा में गए नहीं, मेरे गुरु तो नारद है, क्योंकि जब माँ के पेट में था जब इंद्र पकड़ करके ले जा रहा था इतने में नारद जी आ करके अपना आश्रम में ले गए और मेरे को लक्ष्य करके उन्होंने जो कथा सुनाए मेरे गुरु तो नारद जी हैं, इसलिए उन्होंने नारद जी ने क्या शिक्षा दिया था बस बोलना शुरू कर दिया।
बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इसमें बता रहे हैं, कहते पिताजी सर्वप्रथम श्री गुरु जी की चरण में शरणागत हो जाओ, ठाकुर जी की चरण में शरणागत हो करके क्या करो, भगवान की कथा श्रवण करो, उनका कीर्तन करो, उनका वंदन करो, उनका अर्चन करो। कहते जो नवविद्या जो भक्ति है, अध्याय मतलब होता है, अगर कोई ना तरह का भक्ति नहीं कर सकते हैं, एक भक्ति केवल कर लो, एक भक्ति से ठाकुर मिल जाएंगे। जैसे श्रवण के द्वारा श्री परीक्षित महाराज ने प्राप्त किया, बताओ क्या उन्होंने और कुछ नहीं किया, केवल बैठ करके केवल ठाकुर की कथा सुने, सुनते सुनते प्रभु को प्राप्ति हो गया। और भगवान की कथा सुनाया किसी ने, बोले सुखदेव गोस्वामी ने, और कुछ भी नहीं किया, केवल उन्होंने भगवान की कथा श्रवण करवाया। स्मरण के द्वारा किसने प्राप्त किया, प्रहलाद महाराज ने, श्रवण कीर्तन विष्णु पाद सेवन के द्वारा लक्ष्मी, अर्चन के द्वारा ऋतु महाराज, वंदन के द्वारा अपूर्व जी, और सख्य के द्वारा अर्जुन, और दास्य के द्वारा हनुमान अर्जुन। इसलिए इन लोगों ने आत्मनिवेदन में बलि मारा, इन लोगों ने केवल एक एक ही भक्ति सब नहीं किया, निष्ठा पूर्वक। कहते निष्ठा है ते उपजाए प्रेम तरंग, एक भक्ति अंग साधे का साधे बहु अंग, निष्ठा है ते उपजाए प्रेम तरंग। कोई कोई बहुत सारे अंग याचन करते हैं, कोई एक भक्ति अंग याचन करते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति का लक्षण निष्ठा से। निष्ठा से अगर एक भक्ति कर दिया ना, इससे बिड़ा पा रहे, केवल ज्यादा करने का जरूरत तो एक ही भक्ति कर लो। सुनो तो कथा ही सुनो, कीर्तन तो कृष्ण ही कथा कीर्तन सुनो, स्मरण करो तो ठाकुर का स्मरण करो, एक दर कितने सरल। तो फिर कहते हैं कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, बोले पत्रम पुष्पम फलम द्वयम जो मैं भक्त्या प्रजच्छति तद अहम भक्त उपहृत असनामी प्रजतात्म। अगर कोई प्रेम पूर्वक ठाकुर जी यहाँ पर चार वस्तु का नाम लिया है, चार वस्तुओं में अगर कोई एक वस्तु अगर हमको दे दे, और यहाँ विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं ऐसे ठाकुर जी का नाम लिया है ना, को जो बिना पैसा में मिलेगा पानी, अभी तो बिस्लरी पानी मिल रहा है, लेकिन पहले कोई पानी खरीद कर पीते थे। मैंने जब एक बार क्या परिक्रमा में देखा, दिल्ली का कुछ लोग आए पानी खरीद करके, क्या पानी खरीद करके हैं, पानी खरीद करके पी रहे हैं, जीवन में पहला बार देख रहा, पहले कोई पानी खरीद नहीं करते थे, सब जगह में जैसे पानी मिलता था वैसे ही पानी पी लेते थे। इसलिए पानी, अब पत्ता रास्ता में जा रहे हो किसी पेड़ का कोई पत्ता देकर ठाकुर को दे दो, फूल रास्ता में जा रहे हो पेड़ का फूल लो ठाकुर को दे दो, हैं फल, पहले फल भी कोई खरीद नहीं करते थे, हमने तो खुद देखा हमारा बगीचा में इतने केले होते थे, आम होता था, कटहल होता था, वो चिड़िया आकर खा जाते थे, शियार आकर खा जाते थे, वो खाने वाले लोग नहीं होते थे पहले, इतने इतने होता था। इसलिए उन्होंने चार चीज का नाम लिया है, हैं चार चीज का, जो बिना पैसा में जो चार चीज मिलता है, मतलब ठाकुर कहते हैं मेरे को प्रसन्न करने के लिए ऐसे नहीं कोई बड़ी कीमती चीज दो तभी ठाकुर खुश होंगे, ऐसे नहीं, केवल भक्ति को द्वारा कोई चीज दे दो। बोले पत्र पत्ता किसने खिलाया, विदुरानी, इसलिए विदुर थे नहीं थे विदुरानी हैं, इतने में जो विदुर नहीं विदुरानी थे, ठाकुर गए तो ठाकुर जी को उन्होंने साफ भाजी खिलाकर खुश कर लिया। पत्रम पुष्पम पुष्पम को किसने दिया, गजेंद्र, उसने जब मगरमच्छ खींच कर ले जा रहा था एक फूल उठाया ठाकुर को दे दिया, ठाकुर जी खुश हुए। पत्रम पुष्पम फलम सबरी, बस भगवान की भले दुर्जन की मेवा त्यागे साथ नहीं, कहते झूठे फल विदुर के खाए बहु विद स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगा। ठाकुर उनको फल से तब खुश हो गए, फल पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, त्वयम मतलब पानी, पानी अद्वैत आचार्य ने क्या किया, गंगा पानी तुलसी पत्ता से ठाकुर को आह्वान किया तो ठाकुर जी वैकुंठ छोड़ करके बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भक्ति मार्ग इतने सरल मार्ग, यहाँ कह रहे क्यों ये बेवकूफ लोग ज्ञानी लोग क्यों ये भक्ति मार्ग इतने श्रेय मार्ग छोड़ करके ये ज्ञान मार्ग में पथ में क्यों चलते हैं, हैं इतने कठिन मार्ग में क्यों चल रहे हैं, भक्ति मार्ग को ये क्यों नहीं अपनाते भक्ति मार्ग को, हैं इसलिए कहते क्लिश्चन दीजिए केवल बदल अब है, कहते कहते वो लोग
पतंति अधा अनादरित जुस्मर अंग्रह, भगवान के चरणों को अनादर करते हुए कत बड़े उच्चे पद को प्राप्त करने पर भी, बड़े उच्चे पद को, लेकिन पतंति अधा, वहां से उनको पतन हो जाता है, वहां से उनको पतन हो जाता है। क्यों? ठाकुर के चरणों को उन्होंने अनादर किया है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे, बोले ठाकुर जी तुम्हारी भक्ति तो बड़ा सरल मार्ग है, तेरा भक्ति बड़े सरल मार्ग है। इसलिए यहाँ पर क्या बताए उन्होंने, ये बताए भगवान को पाने के लिए सबसे सरल उपाय क्या, बोले भगवान की भक्ति जगत में सबसे सरल उपाय। अब यहाँ प्रश्न कर रहे हैं भक्ति कैसे करनी चाहिए, वहां तो स्थापन कर दिया भक्ति को, जरा प्रभु खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भक्ति कैसे करनी चाहिए ये भी तो पता होनी चाहिए ना, भक्ति कैसे करें। तब ये श्लोक बुक कह रहे, देखो अगर ये श्लोक आप लोग भी याद रहेगा ना, अगर भक्ति जीवन में बड़े से बड़े दुख आने पर भी आप कोई विचलित नहीं हो, कभी कभी ये होता है ना, जैसे हम प्रभु का भक्ति कर रहे हैं, अगर थोड़ी मोड़ी कोई विपत्ति आ जाए तो खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, पहले माला छोड़ के रख देंगे, सबसे पहले क्या छोड़ देंगे, माला छोड़ देंगे, बोले हम ठाकुर का इतना भजन किया, भक्ति किया, ठाकुर हमारे साथ में ऐसे किया, ठाकुर हमारे साथ में ऐसा किया, सबसे पहले माला, मानो माला को ना छोड़ने के लिए पहले तैयारी बैठे, तैयारी बैठी माला कब छूट जाए हैं। इसलिए यहाँ अगर ये श्लोकों को प्रभुपाद तो बहुत सारे शिष्य लोग थे, हजार हजार शिष्य थे, और भक्ति जगत में बड़ी बड़ी भगवान की बड़ी बड़ी बाधा भी आती है, भगवान कभी परीक्षा करते हैं, कभी यहाँ तक भी कोई अगर प्रभु के पास में गोलोक वृंदावन जाना चाहते ना, भक्ति करता है, पहले देवता लोग टांग पकड़ कर खींचना शुरू कर देते हैं, भले एक साधारण इंसान और हमारे सर पर प्यार रखकर के गोलोक वृंदावन चले जाएगा, हम स्वर्ग में इतने नीचे रह जाएंगे, पहले तो देवता लोग को पकड़ कर टांग खींचते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर, इसलिए कहते हैं यहाँ पर इस श्लोक को प्रभुपाद अक्सर करके, कोई अगर भक्त, कोई भक्ति जगत में आता विपत्ति आती है, इसलिए अगर कोई विपत्ति आए, अगर कोई बोले तो ऐसे ऐसे ये श्लोक को प्रभुपाद ने लिख करके भेज देते, बोले श्लोक को याद कर लो, ये श्लोक को पढ़ लो, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बोले क्या कहते हैं, बोले तत्त्वानुकंपां सुसुमिक्ष्यमानं भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वक् हिद्वक् पुभिभिदधन्न नमस्ते जीवते जो मुक्तिपदे सदाय भाग। कहते कौन व्यक्ति ये मुक्ति मार्ग में चल सकता है, भगवान की चरण की मुक्ति कौन पा सकते हैं, बोले तत्व अनुकंपा सुसुमिक समान भुंजाम एवात्म कृतम विपाकम। इसलिए जो व्यक्ति अपना तत्व में प्रतिष्ठित होकर के जीवन में जो कुछ आता है, सुख व दुख आता है, वो क्या मानता है, कभी ठाकुर के ऊपर दोष नहीं देता है, कहते भुंजाम एव आत्म कृतम विपाकम, मैंने जैसे कर्म किया कर्म तो अनुरूप हम फल भोग कर रहे हैं। जैसे बीज बोएंगे, अगर नीम का बीज बोएंगे मतलब नीम का वृक्ष आएगा ना, करला का बीज बोएंगे करला का पेड़ आएगा, अगर हम आम की गुठली बोएंगे आम की वृक्ष आएगी, अगर अंगूर का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष आएगा, केले का वृक्ष आएगा। इसलिए जीवन में जो कुछ आता है, यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं भुंजामि एव निश्चित रूप में आत्मा कृतम विपाकम, अपना किया हुआ कर्म का फल जगत में जीव भोग करता है, हैं? इसलिए यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं अगर जीवन में कोई सुख आता है जरूर हमने कोई अच्छा कर्म किया तभी सुख आया, अगर कोई दुख आता है हमने जरूर कोई बुरा कर्म किया तभी जीवन में ये दुख आता है। एक उदाहरण देकर समझाए, आप देखना कभी कभी पिताजी बच्चे को डांट देते हैं, कभी कभी प्यार भी करते हैं, लेकिन पिता बच्चों को कब डांटते हैं, जब बच्चा गलत मार्ग में जाता है तब तो थप्पड़ मार देते हैं ना, तभी तो थप्पड़ मारते, तुम गलत काम क्यों किया, तो प्यार कब करते हैं, जब बच्चा बढ़िया काम करता है तब उसको प्यार करते हैं। कभी कभी माँ भी देखना, बच्चे को अगर पेट में कोई खराब हो गया ना, डॉक्टर ने बोला उसको कोई कड़वा चीज दो, क्या कहते हैं नीम रस को, नहीं तो करेला रस को बिना पिला पिला करके, आप बच्चों को देखना मुँह फाड़ करके चम्मच दे करके पीना नहीं चाह रहा है, रो रहा है बच्चा, मुंह फाड़ करके उस मुंह में डाल देती है, हैं? डाल देती है, और कभी कभी उसको लड्डू भी खिलाती है, कभी खीर खिलाती है, ये नीम रस कब पिलाती जब पेट में कीड़ा हो जाती है, लड्डू कब खिलाती जब पेट उसको बढ़िया हो, लेकिन ये माँ जो नीम का रस पिला रही है ये बच्चे के ऊपर में क्या नाराज होकर के नहीं,
बच्चे को क्रोधित होकर नहीं, उसकी मंगल के लिए, उसको मंगल के लिए जो कुछ कर रहे हैं माँ बच्चे की मंगल के लिए करते हैं। कहते उसी तरह ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं, इसलिए जीवन में अगर सुख और दुख आए तो हमारे असली पिता माता कौन है? ठाकुर जी हमारे असली पिता माता, इसलिए तुम्हें माता च पिता तुम्हें। इसलिए अगर जीवन में जो कुछ आता है भक्त लोग क्या करते हैं, ये चीज को अपना हंसते हंसते सुख आए और दुख आए उसको हंसते 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 जीवन में हाँ ले लेते हैं, इसको हंसते हंसते इसको जीवन में ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कद जीवित जो मुक्ति पदे स्वदाय भाग, तब यहाँ पर कह रहे हैं कदि ये मुक्ति मार्ग में है, कदि ये मुक्ति मार्ग में कौन आरोहण कर सकता है? कद मुक्ति मार्ग में वही आरोहण कर सकता है जो जीवित, जीवित मतलब उदाहरण देते हैं है, यहाँ पर उदाहरण देकर समझ रहे हैं। जैसे पिताजी की बहुत संपत्ति है, अथाह संपत्ति, लेकिन अभी बेटे को पिताजी को बाद में संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? बेटा ही तो बनेगा, लेकिन बेटा संपत्ति के मालिक कब बनेगा? जब उनकी जिंदा रहे, पिताजी की सेवा करे, पिताजी की सेवा करे, आधे से पालन करे पिताजी की और जिंदा रहे, तभी तो बच्चे को संपत्ति मिलेगी। अगर बच्चा अगर बीच में ही चला गया फिर पिताजी का संपत्ति मिल सकता है क्या? वो मिलेगा नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु, कहते आपका प्रेम संपत्ति भक्ति संपत्ति किसको मिलेगा? पर जीवन में दुख आए नहीं तो सुख आए उसको भोग करते हुए जो व्यक्ति जीवन में भक्ति कभी छोड़ता नहीं, भगवान के भजन कभी नहीं छोड़ता है, चिरकाल के लिए भक्ति में टिके रहना चाहिए, तभी तो पिताजी की संपत्ति। जैसे प्रहलाद महाराज नाम सुने के लिए, उसको पिता तो उसको मारने के लिए कोशिश किया, पहाड़ को ऊपर से फेंक दिया, आग जला दिए, बात करके फेंक दिया, कहां पर फेंक दिया, उसको समुद्र में फेंक दिया, कितने कष्ट दिया पिता होकर के बेटे को, इतने कष्ट दिया है। लेकिन क्या ध्रुव ने प्रहलाद ने भजन छोड़ दिया? मीरा का भी नाम सुनी, राणा ने भेजा बीस का प्याला, राणा मारने के लिए उसको बीस का है प्याला भेज दिया, लेकिन उसने क्या किया? गिरधर को अर्पण करके पूरा देव अमृत पी लिया, अमृत जैसे पी लिया, उसको जेठ देवर ननद कितने जीवन में बाधा दिया, लेकिन उसने क्या प्रभु का भजन छोड़ा किया? नहीं, भगवान की भक्ति का भी उसने नहीं छोड़ा, भक्ति में टिक रहे, तब तो दुनिया में इतना नाम हो गया। हरिदास ठाकुर के ऊपर में 22 हजार में पिटाई हुई, चमड़ा उतर गया है, लेकिन भगवान के ऊपर कभी दोष नहीं दिया, 22 हजार में पिटाई हो गई, उसको बाद में क्या कह रहा है? मैंने ये कानों में भगवान का निंदा सुना था ना, इसलिए ठाकुर जी ने मेरे को ये दंड दिया। ठाकुर जी बड़े दयालु है और मेरे को थोड़ी सी दंड देकर के माफ कर दी, इतने पिटाई होने का बाद में भी ये कह रहे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं मुक्ति पदे, मतलब जिनकी चरण में मुक्ति रहती है, किसकी पद में? जो ऐसे अपना जीवन में जो कुछ आता है हंसते हंसते उसको भोग कर लेता है लेकिन प्रभु का भजन नहीं छोड़ता है, वही व्यक्ति ही ये मुक्ति पद को भगवान के चरण की प्रेम को वही व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ पर उसको बाद बोले उत्प्रेक्षणम गर्भ गतस्य पादयो, तो उसको बाद में कहते हैं प्रभु मैंने जो आपका चरण में अपराध किया है आपको सहन करना पड़ेगा। उन्होंने बछड़े को चुराया ना, कृष्ण का बछड़े सका को चुराया, इसलिए ब्रह्मा कहते मैंने जो आपकी चरण में अपराध किया है आपका बछड़े और सखा को चुराया, इसको आपको स्वीकार करना पड़ा, ग्रहण करना पड़ेगा। बोले क्यों? तो उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया कि जैसे माँ की पेट में जब बच्चा होता है, देखना वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है ना, वो पेट के अंदर में लात मारता है, पेट के अंदर बच्चा लात मारता है, पेट के अंदर में घूमता है, लात भी मारता है, कहिया मैया क्या क्रोध करती है? मैया क्रोध करती है बच्चे को? क्रोध करती है नहीं, क्रोध करती है क्यों? बच्चा मेरा है बच्चा मेरा बच्चा, इतना कष्ट सहन करते हुए बच्चे को प्रसव देती है, लेकिन बच्चे का मुंह देख करके सारे दुख कष्टों को माँ भूल जाती है। कहते प्रभु मैंने जो उत्प्रेक्षणम, जैसे बच्चा गर्भ में प्यार लात मारने पर जैसे माँ क्रोध नहीं करती है, उसी तरह मैंने जो आपका चरण में अपराध किया आपको सहन करना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले मैं आपको बेटा हूँ ना, मैं आपका बेटा है ना, बेटा कभी कभी उल्टा पुलटा करता है लेकिन पिता माता सहन करते नहीं, बच्चे का उल्टा पुलटा करने पर भी माँ तो माँ होती है ना, है माँ थोड़ी कभी त्याग थोड़ी दे देती है,
जो कुछ करने पर भी माँ उसको सहन करती है, इसलिए प्रभु मैं आपका पिता हूँ, भगवान बोले मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। बोले गीता में आपने बताया ना, आप गीता में क्या बताए, बोले पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता। आप स्वयं कह रहे हो गीता में ये विश्व ब्रह्मांड का पिता माता कौन है, बोले तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्याम द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव। हम कहते हैं ना कृष्ण गीता में स्वयं कह रहे हैं जगत का पिता माता भाई बंधु मैं हूँ, आप तो स्वयं। फिर मेरा जन्म कहाँ से हुआ, कहते नारायण की नाभि जो गर्भोदगसाई उनके नाभि कमल से मेरी जन्म हुई। कहते वो नारायण कौन है, वो नारायण कौन है आपकी अंश के, उनसे कृष्ण से प्रकट हुए बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु से शंकरसन, शंकरसन से वासुदेव, वहां से फिर ये तीन विष्णु प्रकट होते हैं कारणोदगसाई गर्भोदगसाई क्षीरावदसाई। जो गर्भोदगसाई विष्णु उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की जन्म हुआ, इसलिए आपकी नाभि से मेरा जन्म हुआ ना, मैं तो आपका बेटा हो गया प्रभु, इसलिए बेटे का अपराध पिता माता सहन कर दे, इसलिए ठाकुर जी मेरे ऊपर अपराध मत लो, मेरे को माफ कर दो, हैं मेरे को माफ कर दो। तब भगवान कहते हैं मैं तब तो कब तुम्हारे बेटा पिता बन गया, तेरा पिता तो नारायण हो गए, फिर मैं कैसे तुम्हारा बेटा हो गया। बोले प्रभु वो जो नारायण है ना वो आपकी अंश के अंश के अंश के अंश ही नारायण है, लेकिन जो मूल नारायण है तो आप ही हो तो मूल नारायण। यहाँ पर विश्वनाथ को बहुत बहुत कुछ प्रमाण देकर बताए कैसे मूल नारायण कृष्ण है, बहुत प्रमाण देकर बताए। नारायण नाम मतलब क्या है, नर मतलब इंसान, अयन मतलब आश्रय, समस्त जीवों का जो आश्रय है ये प्रभु श्री नारायण है, वो कौन है भगवान के अंश के अंश के अंश ये नारायण। इसलिए मूल नारायण कौन हुए, बोले कृष्ण हुए है। तब यहाँ पर बढ़िया एक श्लोक कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं बोले तथा पीते पादाम्भुज द्वयो प्रसाद लेसानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवत महिम्नं न चान्न एक अपि चिरं विचिन्नम्। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान को कौन जान सकता है, ठाकुर जी को कौन जान समझ सकता है कौन। यहाँ पर कहते हैं बोले हे प्रभु कहते जानाति तत्त्व भगवत महिम्नम न चान्न एक अपि चिरं विचिन्नम्। अगर कोई व्यक्ति चिरकाल तक बैठ रहे भगवान का हम जान लेंगे, बोले प्रभु आपका तत्व को समझना बड़ा कठिन। बोले यद्यपि समाधि सुविधिर पश्यति न तब नखाग्र मरिचि, कहते भगवान की चरण की नख को जो छटा है, कहते विधिर पश्यति जो ब्रह्मा है ठाकुर की चरण की नख को छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत दिव्यति स्तुनि, जिनकी बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि जिनको स्तुति करते हैं, इसलिए कहते प्रभु आपको समझना बड़ा कठिन है, लेकिन कौन जान सकते हैं आपको, बोले प्रभु वही आपकी तत्व को जान सकते हैं। कहते जो व्यक्ति कहते सही जाने जा रहे देहु जानाई, उनको वही जान सकते हैं भगवान कृपा करके, जिनको जानते हैं वही केवल ठाकुर जी को जान सकते हैं। चिरम विचिन्नम चिरकाल के लिए अगर कोई बैठ रहे हम भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान मिलेंगे मिलेंगे, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। जिसको पर तुम्हारी कृपा होगी, जिसको कृपा करके आप जनाओगे, केवल वही तुमको जान सकता है, इसके बगैर आपको कोई जान नहीं सकते हैं। तब कहते हैं बोले तदस्तु में नाथ सबरी भाग्य भवे अत्र वान्यत्र तुवास्तिरश्चाम जेना अहम मेका अपि भगवत जनानाम भूत्वा निसवे तव पाद पल्लवम। बोले प्रभु तद अस्तु में नाथ सभुरी भाग्य, मैं समझता हूँ यही मेरा सबसे बड़ा भाग्य होगा। बोले प्रभु पृथ्वी में हैं कहीं भी मेरा जन्म हो, अगर मैं पशु पक्षी हो करके भी अगर क्यों जन्म नहीं हो है, कहते जेना एकांत अभी भगवत जनानाम भूत्या निसेवत अपाद बल्लभ, जैसे मैं आपकी भक्तों की अनुगत्य में रह करके तुम्हारी चरण कमल को जैसे मैं सेवा कर सकूं, मेरे ये आशीर्वाद करो हैं, कहीं भी मेरा क्यों जन्म नहीं हो तुम्हारी भक्तों की अनुगत्य में रह करके तुम्हारी चरण की सेवा कर सकूं। लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ क्या प्रार्थना करते हैं,
कतना पशु पाखी होए थाकी। ये श्लोक का अनुवाद है, स्वर्ग वाणी राय प्रभु स्वर्ग में हो नहीं तो नरक में हो, अगर पशु पक्षी रूप में क्यों नहीं हो, तब भक्ति रहो भक्ति बिनो आपका चरण में भक्ति रहे। तो यहाँ पर विश्वनाथ को टीका में कहते ही तो उन्होंने ये पशुपति जन्म क्यों प्रार्थना किया, क्या रहस्य है पशुपति जन्म में क्यों प्राप्त जाने के लिए क्यों प्रार्थना किया। तो ब्रह्मा जी कहते हमने सुना है ऐसे नहीं पशु होने पर आप नहीं पा सकते, बंदर हनुमान बंदर था ना, अभी तो पशु है, बंदर भी तो हनुमान है ना, सुग्रीव भी तो हनुमान है, सुग्रीव भी बंदर है, नल नील भी तो बंदर है, हैं कहते जो हस्ती जो गजराज वो भी तो पशु ही था, हाँ भालू जांबवान भालू है, जांबवान भालू है ना, हाँ हाथी इसलिए कहते जो हाथी हुए हैं सुनाई पड़ता है ये पशु जानवर जीवन में भी इनको प्रभु की भक्ति मिली। बताओ हनुमान जैसे भक्त वही हो सकता है राम का भक्त, इसलिए दुनिया चले ना प्रभु राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, कितने बड़े भगवान की भक्त होंगे जिनकी घर घर में अभी पूजा, जिनकी घर घर में होती है इतने बड़े भक्त होंगे। और हाथी जब मगरमच्छ खींच करके ले जा रहा था, हाथी ने क्या किया, एक फूल लेकर ठाकुर को दे दिया, भाई ठाकुर जी खुश हो गए। इसलिए हमें सुना ही पड़ता है जानवर जीवन भी पर भक्ति होता है। और पक्षी है कहते ये पक्षी, बोले पक्षी में कौन कहते कार है, गरुड़ जी है, अरुण और कौन काबुसुंडी है, जटायु है कहते संपाति है, कितने कितने भगवान की भक्त हुए हैं। कहते प्रभु ये चिड़िया जन्म में भी इनको भगवान की भक्ति, इनके चिड़िया जन्म में भी इनको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है। इसलिए अगर किसी अगर पशु पक्षी जन्म में क्यों नहीं जाए प्रभु, जैसे तुम्हारी भक्त की अनुगत्य भी तुम्हारे चरण की हम सेवा कर सके, हमें यही आशीर्वाद दो। तो यहाँ पर कह रहे हैं बड़ी बोले पत्थर, ये भी पत्थर कहते पत्थर जन्म भी क्यों जन्म नहीं हो, देखो गिरिराज गोवर्धन किया पत्थर है, और बरसाना गए कि नहीं बरसाना, उस ब्रह्मा स्वयं बरसाना बने, और नंदगाम गए हो, नंदगाम क्या है वो भी पत्थर है, वो शंकर स्वयं शंकर शंकर लिंग का लिंग भी उनका रूप है, हैं इसलिए वहाँ पर सखीगिरी पर्वत है, सब सखियाँ सब एक एक सखी एक एक पर्वत रूप धारण किए। कहते यहाँ दिखाई पड़ते हैं ये लोग पत्थर जन्म में भी अहल्या पत्थर हुई थी ना ठाकुर का चरण स्पर्श हुई, कहते हम सुनते हैं पत्थर जीवन में भी प्रभु का भक्ति होता है, इसलिए प्रभु पत्थर जन्म पा करके भी तेरे भजन करते हैं ये है? इसलिए बहुवचन शब्द अभी प्रयोगित मोक्ष लाभ, इसलिए कहते हैं प्रभु हमें किसी जीवन क्यों हो लेकिन तुम्हारे जैसे भक्तों की, कहते भक्त जन्म साधक और सिद्ध दशा में भी कोई भी हाँ करके आपके चरण की मैंने सेवा कर सकूं, हमें मेरे ऊपर में आप केवल इतना ही आशीर्वाद करो। इसलिए भगवान के चरण में ब्रह्मा जी ये सब स्तुति कर रहे, फिर कल हम सुनेंगे ब्रह्मा कैसे लास्ट में जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने बहुत सारी स्तुति की 40 श्लोक है, जब उन्होंने स्तुति को पर स्तुति करते जा रहे भगवान की विभूति को भगवान की महिमा को, लेकिन सखा लोग क्या कर रहे हैं, सखा लोग कह रही ये कहाँ से अजीब सा प्राणी आ गया, चार सरवाल ये कहाँ से आ गया, उसको ब्रह्मा जी को खिली उड़ा रहे थे, अरे चौमुहा चौमुहा जगह है ना, बोलिए आप जानते एक सर होता है चार सरवार कहाँ, सखा लोग उनको हंसी दिल कर रहे थे। और कृष्ण क्या कर रहे थे, तो स्तुति स्तुति करते जा रहे कृष्ण एक सखा गले में नहीं आते करके, और एक हाथ में कमल फूल घुमा रहे थे। ब्रह्मा सोच रहे भैया इतने बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी को मैंने महिमा बता दिया, अभी तक भी ठाकुर खुश नहीं हो रहे, बोले अभी तक तो मैंने कृष्ण का स्तुति करके हमने देखा, अभी थोड़ी सी उनका भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ ठाकुर जी खुश होते कि नहीं। फिर उन्होंने ब्रजवासियों को स्तुति जब किए, कल हम सुनेंगे कैसे उन्होंने ब्रजवासियों को जो स्तुति की, तब ब्रह्मा कृष्ण जी थोड़ी सी उन्हें मुस्कुराए, फिर क्या आशीर्वाद देते हैं, कल ये बात को हम कल सुनेंगे। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे